आगामी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है और आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आबकारी विभाग ने अवैध शराब के अड्डों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आबकारी के संयुक्त अमले ने सोमार ढाना और गोसाई कोला के जंगल में बने अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग को जगह जगह ड्रम और बोरियों में लाहन भरा मिला। वहीं ट्यूब में रखी हाथ भट्टी शराब को भी जब्त किया गया। इस दौरान कुल 4000 किलो लाहन और 75 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। साथ ही 5 अज्ञात व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिला आबकारी अधिकारी को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय जिला छिंदवाड़ा के निर्देशन पे चुनावी आचार संहिता के दौरान शराब संबंधी अवैध गतिविधियों के नियंत्रण हेतु आबकारी विभाग की संयुक्त दबिश रखी गई थी, जिसमें पूरे जिले का आबकारी बल शामिल था। इस पूरे जिले के आबकारी बल ने सोमाढाना और गोसाई कोला नामक स्थानों पर, जहाँ पर व्यापक पैमाने पे अवैध मदिरा का निर्माण किया जा रहा था, ऐसे स्थानों पे दबिश दे के 5 प्रकरण कायम किए हैं। इन प्रकरणों में हजारों लीटर महुआ लहान तथा काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची मदिरा बरामद हुई है। इसी तारतम्य में कल रात में भी हमारे वृत्त चौराई में एक संयुक्त कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल पे दोपहिया वाहन में 50 पाव अवैध मसाला मदिरा जब्त की गई थी। और ये चुनावी आचार संहिता के दौरान पूरी कोशिश की जा रही है, हर संभव प्रयास है कि शराब संबंधी अवैध गतिविधियों पे हम प्रभावी नियंत्रण कायम कर सकें।